हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू चैनल। आज संडे का दिन है और आज एक ही पेज है तो कुछ खास मुझे यहाँ कुछ चीज़ें ही आर्टिकल में मिली हैं, दो ही आर्टिकल मिले हैं। एक पीछे तुमरूम का, आई गेस इनका हर संडे का आर्टिकल आता ही है, एंटी गवर्नमेंट ऑनलाइन इशूज़, और एक ये वुमेन पे है। इसमें तो मैंने आपको सारी बातें बता दी, मुझे बस इतना बताना था कि आज अगर ऐसे आ जाए कि उरुंदोई स्कीम कहाँ की है तो वो आसाम की है, और बाकी मैंने आपको ये फैक्ट तो बताया है कि उनकी 14.4% वुमेन की रिप्रेजेंटेशन एमपी में हो गई है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और इवन मिनिस्टर्स की तो 22-23.1 से 9.1% हो गई। तो 9.1% वाला फैक्ट पहले नहीं था, तो ऐड दिस, ठीक है। बाकी पूरी बातें सेम है कि क्या हम इनको जॉब दे रहे हैं तो क्यों हम इनको रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, क्या ये सिर्फ पैसा दे रहे हैं, आप इसको इस बात को बता रहे हैं कि वीमेन काम ही करने के लिए बनी है, ये वो। यहाँ पे क्रैक 60 की बात बताई गई है, तो ये एक स्पेशल एंटी इंसर्जेंसी यूनिट है अगेन नक्सलाइट्स, देन दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर रफेल के बारे में चार चीज़ें बताई गई हैं जो ऑथर ने उठाई हैं। पहले उन्होंने बताया कि मीडिया ने क्वेश्चंस क्यों नहीं रेज किए कि रफेल डील के बारे में। अब ऑथर ने पांच क्वेश्चन रेज किए हैं। इन्होंने ये कहा है कि जो MOU साइन हुआ था इंडिया और फ्रांस के बीच में, उसमें 126 ट्विन इंजन मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट लेने थे, तो ऐसा क्या हो गया कि वो 34 पे आ गए। दूसरा इन्होंने क्वेश्चन उठाया जो डील 1670 करोड़ की होने वाली, मतलब 526.10 करोड़ की थी, वो 1670 करोड़ की कैसे हो गई। थर्ड क्वेश्चन उन्होंने ये उठाया कि गवर्नमेंट कैसे ये वो जो इमरजेंसी डिलीवरी की परचेज की बात हुई उसको कैसे जस्टिफाई करेगी। अब चौथी चीज़ उन्होंने ये कहा है कि जो अग्रीमेंट ट्रांसफ़र कर रहा था टेक्नोलॉजी, वो क्यों स्क्रैप कर दिया गया। और लास्ट क्वेश्चन ऑथर ने उठाया है कि गवर्नमेंट ने क्या सजेस्ट किया था एनी नेम एज एन ऑफसेट पार्टनर, और क्यों नहीं किया अगर, तो हेल हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड को क्यों नहीं किया। तो ऑथर ने ये कहा है कि पहली बात तो मीडिया वाला हो गया, दूसरा उनके सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चेक किया कि क्या ये डील गलत है। फॉर इंस्टेंस कोर्ट डिक्लाइन कर दिया एग्जामिन करना कि प्राइस का इशू क्या चल रहा है, टेक्निकल सूटेबिलिटी क्या चल रही, हम लोग क्यों 36 ही ले रहे हैं 126 की जगह, ये बात हो गई। थर्ड पार्लियामेंट भी इतनी ज़्यादा डिवाइडेड थी कि उसने ये चीज़ नहीं देखी, रफेल वॉज अ बिग डील अकॉर्डिंग टू ऑथर। चौथी चीज़ उन्होंने ये बताया कि सबसे बड़ा फेलियर तो क्रैक का रह गया, जिसने एक डार्क श्राउड डाल दिया ट्रांजैक्शन में, वो फैक्ट्स वैसे ही कर दिया, गवर्नमेंट ने जैसे फैक्ट दिए उसने वैसे ही एक्सेप्ट कर लिया। तो ऑथर का यही कहना है लास्ट में कि ये सब डील जब हो रही हैं अभी तो नहीं कोई देख रहा है, बट द गोस्ट ऑफ रफेल, मतलब इट दिस मैटर विल कीप कमिंग, जब तक ये प्रॉपर सॉल्व नहीं हो जाता है पीपल विल रेज क्वेश्चन ऑन रफेल। यहाँ पर ये भी बताया गया कि कोर्ट ने वो भी एक्सेप्ट कर लिया, जैसे नोट सबमिट करेंगे गवर्नमेंट ने सील्ड कवर में, और इवन ओवरऑल सबमिशन जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। तो दैट द टू आर्टिकल्स फॉर टुडे, जस्ट राइट दीज क्वेश्चन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।